हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स गुरु जी यूट्यूब चैनल। किंग्स इलेवन पंजाब वर्सेस मुंबई इंडियन मैच नंबर 22। तो जो ड्रीम इलेवन टीम मैंने बनाई है आपको देता हूँ सीधे सीधे। चलते हैं वहाँ पर। ये जो मैच होने वाला है होलकर स्टेडियम पर, जो कि है इंदौर में। तो अच्छी खासी परफॉर्मेंस रही है वहाँ पर किंग्स इलेवन पंजाब की और मैक्सवेल की भी। तो चलते हैं सीधा और टीम बनाते हैं। तो आज के मैच में मैंने लिया है पार्थिव पटेल। रिद्धिमान साहब एक अच्छा ऑप्शन रहेंगे, पर पार्थिव पटेल कन्फर्म ओपन करने आएंगे आज के मैच में। तो जो प्लेयर कंफर्म है उसको लेना सही रहेगा। और रिद्धिमान साहब की जो पोजीशन है वो ऊपर नीचे होती रहती है। अच्छे प्लेयर रिद्धिमान साहब, पर पार्थिव पटेल को लेना सही रहेगा। फॉर्म में नहीं चल रहे थे, अच्छी बड़े परफॉर्मेंस नहीं आई है एक भी अब तक। तो देखते हैं, लास्ट मैच में 0 बनाया था उन्होंने, आज क्या होता है देखेंगे। तो बैटिंग की तरफ चले तो अगर मैंने इस मैच में रोहित शर्मा लिया है, डेविड मिलर नहीं लिया है, फॉर्म में भी नहीं चल रहे हैं। जॉश बटलर को लिया है, मनन वोहरा को लिया है और हाशिम अमला को मैंने नहीं लिया है अभी, मैं उसके चर्चा करेंगे उसके ऊपर भी। नीतीश राणा को लिया है, जैसे नीतीश राणा बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं तो नीतीश राणा को लेना सही रहेगा। वन डाउन खेल रहे हैं आजकल मुंबई से। तो अब बात आती है हाशिम अमला की। मे भी हाशिम अमला को आज ना खिलाएं वो टीम में, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि 100% ना खिलाएं, पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आज हाशिम अमला की जगह शॉन मार्श या फिर मार्टिन कपटेल जैसे प्लेयर अंदर आ सकते हैं। पर इसके ऊपर कुछ कह नहीं सकता, तो मैं रिस्क ले नहीं सकता क्योंकि ओवरसीज़ प्लेयर हैं। तो आमला को लेकर रिस्क लेना सही नहीं रहेगा मुझे ऐसा लगता है। तो एक रिस्क यहाँ पर लेना पड़ेगा, आमला को छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने मनन वोहरा लिया है, नीतीश राणा लिया है और लिया है जॉश बटलर और रोहित शर्मा। तो ये चार बैट्समैन रहने वाले हैं और ग्लेन मैक्सवेल आज खेलेंगे जरूर। अक्षर पटेल तो बहुत ज़बरदस्त बॉलर भी हैं जैसे कि आप सबको पता ही है, और बैटिंग भी अच्छी करते हैं। तो ये अच्छे खासे पॉइंट आज देंगे, इनको लेना जरूर। और कुणाल पांड्या, तो इस मैच में हमें हार्दिक पांड्या छोड़ना पड़ेगा। मार्कस स्टोनिस भी ये मैच खेल सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है मार्कस स्टोनिस को इस मैच में ला सकते हैं क्योंकि एक बॉलिंग ऑप्शन भी ठीक ठाक रहेगा। तो ये ऑप्शन रहेगा वहाँ से आपके पास। बैटिंग में मॉर्गन और मिलर भी हैं, तो देखते हैं क्या होता है आज की टीम पर हमारी। तो ये चार बैट्समैन मैंने आपको जो दिखाए हैं वही रहेंगे और ये चार ऑलराउंडर, ये तीन ऑलराउंडर रहेंगे। अब चलते हैं बॉलिंग की तरफ। तो बॉलिंग में लसित मलिंगा को लिया है मैंने, मिच मैक्लेनहैन को लिया है और लिया है मोहित शर्मा को। अगर आप बिल्कुल सेफ होना चाहते हैं तो लसित मलिंगा की जगह जसप्रीत बुमराह भी ले सकते हैं, क्योंकि ओवरसीज़ प्लेयर का हम कुछ नहीं कह सकते कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। पर इस मैच में मैं लसित मलिंगा ले रहा हूँ। तो जैसे कि आपको सबको पता है आईपीएल में बहुत से ओवरसीज़ प्लेयर चेंज हो रहे हैं, किसी का भी खिलाया जाता है कभी नहीं खिलाया जाता है। तो प्रिडिक्ट करना अनप्रिडिक्टेबल है, प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि कौन खेलेगा कौन नहीं। पर फिर भी लसित मलिंगा जरूर खेलेंगे और मिचेल मैक्लेनहैन जरूर खेलेंगे अगर कोई इंजरी नहीं हुई इनमें से किसी को। तो यही टीम है, मोहित शर्मा को यहाँ से लिया है इस मैच में, संदीप शर्मा को नहीं लिया है, मोहित शर्मा को लिया है क्योंकि थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं। अगर बैटिंग आती है तो 12-13 रन बना देते हैं तो बहुत 6-7 पॉइंट मिल जाएंगे, बहुत होते हैं वो 6-7 पॉइंट भी, बहुत क्रूशल हो जाते हैं। तो नेक्स्ट करता हूँ उस मैच में, कैप्टन मैं बनाने वाला हूँ रोहित शर्मा को और वाइस कैप्टन मेरे रहने वाले हैं ग्लेन मैक्सवेल। तो ये टीम रहेगी, सेव कर देता हूँ। कैप्टन के पास आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊँ तो कैप्टन के पास आपके पास ऑप्शंस हैं। नीतीश राणा है कैप्टन का ऑप्शन है, बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहा है नीतीश राणा है। मनन वोहरा लास्ट मैच में इतनी ज़बरदस्त इनिंग खेली थी उन्होंने, तो वो एक ऑप्शन है। अक्षर पटेल और कुणाल पांड्या भी एक बहुत अच्छे ऑप्शन है क्योंकि इनकी बैटिंग बॉलिंग दोनों आती है, तो ये अच्छे प्लेयर हैं तो आप इनको बना सकते हैं। बाकी टीम सेम रहेगी, अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज भी कर सकते हैं। बहुत से प्लेयर्स आपके पास ऑप्शंस हैं, ज़रूरी नहीं है कि सेम टीम के साथ आपको जाना है, और अगर जाना है तो सही है ये टीम भी, अगर आप जा सकते हैं। सिंगल लीग जो होती है मैक्सिमम तीन प्लेयर के साथ खेलिए और प्रॉफिट में रहिए, मैं भी प्रॉफिट में रही, होपफुली हम भी प्रॉफिट में रहेंगे और आप भी प्रॉफिट में रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी करें अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।